नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज खबर कासगंज से, जहां विवाद की सूचना पर पहुंचे SHO को लगी गोली। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कासगंज से इस वक्त की खबर, जहां सिकंदरपुर वैश्य के इंस्पेक्टर हरिभान सिंह घायल हुए। हरिभान सिंह गोली लगने से हुए हैं घायल। दो पक्षों में विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस। SHO को गोली लगने की सूचना से मचा हड़कंप। घटनास्थल पर पहुंचे SP। SP ने किया बारीकी से निरीक्षण। पशु के कारण गांव में दो पक्षों में हुआ था विवाद। घायल इंस्पेक्टर को अलीगढ़ रेफर किया गया। बताया जा रहा है, सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के नरपट गांव की है घटना। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए कासगंज से संवाददाता ब्रिजेश पटेल की रिपोर्ट। सर, क्या जो 3 जनवरी 2024 को थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्रांतर्गत ग्राम नगला नरथर से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि गांव के ही दो पक्ष, जिसमें कि एक पक्ष प्रमोद यादव, दूसरा पक्ष ऋषिपाल यादव का है, इनमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की भैंसे खोल लिए जाने तथा उसे बंधक बना लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर वैश्य हरिभान राठौड़ तत्काल मय फोर्स के रवाना हुए। यहाँ पर मौके पर जैसे ही वो पहुँचे हैं, इन दोनों पक्ष के आपसी विवाद के चलते एक पक्ष द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें कि हरिभान राठौड़ के बाएं तरफ के कॉलर बोन में एक आग्नेय शस्त्र से घायल हो जाने की सूचना मिली। तत्काल इस सूचना पे जनपद का समस्त पुलिस फोर्स इस ग्राउंड के लिए मोबिलाइज किया गया है। जो मजरूब SHO हैं, उन्हें बेहतर इलाज के लिए जनपद अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। अभी हम लोग अपनी टीम के साथ गांव में मौजूद हैं, यहां कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है उसे पूर्ण कर मीडिया को भी अवगत कराया जाएगा।